Question. ये जब टेस्ट हो रहा था ना, ये टेस्ट जो हुआ, टेस्ट मैच याद है आपको कुछ? ये फोटोज याद आ रही हैं आपको? कब का मैच है ये? 2002 का, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज है ना। अनिल कुंबले फ्रैक्चर्ड, पूरा जबड़ा टूट गया, बॉल लगी, पागल आदमी है। अच्छा, इस टेस्ट मैच की खास बात एक और थी बता दूं, इसी मैच में, इसी इनिंग में 5 लोगों ने शतक मारे थे। इस टेस्ट मैच में 5 लोगों ने शतक मारे थे। किसी का ध्यान नहीं आप लोगों को, सबको ये चीज पता है कि ध्यान है। ये क्यों ध्यान पता क्यों है? क्योंकि इन्होंने ना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया। जो लोग 22 लोग फील्ड में थे ना, 11 इधर के 11 इधर के, 22 लोग जो थे, 21 लोग, उन 21 लोगों से कुछ अलग किया। मतलब कि सोचो, जबड़ा टूट गया है ना, फ्रैक्चर हो गए, वहीं गिर गए, स्ट्रेचर पे लेके गए, थोड़ी देर बाद देख रहे हैं कि भैया आ रहे हैं, पट्टी वट्टी बांध के, सब कुछ टूटा फूटा पड़ा इनका। उसके बाद में लगातार 14 ओवर करे, लगातार है ना, स्पेलिंग का 14 ओवर का था, और ब्रायन लारा की विकेट ली इन्होंने। 14 ओवर लगातार करे, 14 मल्टीप्लाइड में 6 कितना होता है? 84 बॉल इन्होंने डाली जबड़ा टूटने के बाद में। सोचो, पेन तो हुआ ही होगा। अच्छा, लाइफ का रिस्क भी था, अगर दोबारा लग जाती तो, है कि नहीं यार ऐसा? दोबारा भी तो लग सकती थी ना बॉल आके, दोबारा भी हो सकता था कुछ भी, थोड़ा सा भी कोई थोड़ा शोल्डर मार दे तो, जबड़ा टूटा ही हुआ था, थोड़ा सा और डिस्प्लेस हो जाता तो। सोच के देखो, क्या पैशन रहा होगा ना इस बंदे का, क्या पैशन रहा होगा यार। और लगातार उसके, मतलब फ्रैक्चर होने के बाद ये भी नहीं कि चले यार ठीक है, ओवर डाल, एक ओवर डाल लेते हैं, दो ओवर डाल लेते हैं, तीन ओवर डाल लेते हैं। इन भाई साहब ने लगातार 14 ओवर डाले, लगातार अपना स्पेल पूरा किया, ब्रायन लारा की विकेट ली, उसके बाद में आराम से बैठेंगे। ये होता पैशन, जबरदस्त तरीके का पैशन होना जरूरी है किसी भी चीज में। आप किसी भी इंसान को ले लो, किसी भी म्यूजिशियन को ले लो, ठीक है, किसी भी क्रिकेटर को ले लो, किसी भी फील्ड में किसी को ले लो। आपने माइकल फेल्प्स का नाम सुना होगा, कितने घंटे उसने प्रैक्टिस करी है स्विमिंग की, आपको पता है, इसलिए 7 गोल्ड मेडल, 1 ओलंपिक। आपने धोनी का नाम सुना होगा, सचिन तेंदुलकर का नाम सुना है, मतलब कि समझ रहे हैं आप। तो जो पैशन है ना इनके अंदर, पैशन, जुनून जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो जबरदस्त है। आप एक चीज मेरे को बताओ, दोबारा चलते हैं अपना थोड़ा सा फ्रीडम फाइटर की तरफ, फ्रीडम फाइटिंग में चलते हैं दोबारा से। हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके पास में ना तो बंदूकें थी, ना उनके पास में गोले थे, ना उनकी कोई ट्रेनिंग हुई थी, ना कोई डिसिप्लिन था उनके अंदर, ना कुछ भी नहीं था। अंग्रेजों के पास में सब कुछ था, तोप भी थी, गोले भी थे, बंदूकें भी थी, डिसिप्लिन भी था, पूरे कमांड थी, पूरा सिस्टम काम कर रहा था। उसके बाद इंडिया जीत, अपना क्रांतिकारी जीत गया। ऐसा क्यों? पैशन। एब्सोल्युटली। अंग्रेज जितने भी थे ना, वो अपनी नौकरी के लिए कर रहे थे वो लड़ाई, ये अपने पैशन के लिए कर रहे थे। और सोच, पैशन है, एक ही चीज तो डिफ्रेंशिएट करती है ना, पैशन। मतलब कि पैशन, दूसरा एक परिभाषा और दूं आपको, जब आपको कोई भी नहीं देख रहा, उस टाइम पे आप क्या करते हैं वो आपका पैशन डिफाइन करता है, कि आप किस चीज के लिए पैशनेट हैं। मान लो आप मूवीज के लिए पैशनेट है, कि मेरे को मूवीज देखना बहुत पसंद है, जब आप खाली टाइम है, कोई भी नहीं देख रहा, तो घर पे आप क्या करते हैं वो डिफाइन करता है कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। एक तो था दुनिया के लिए दिखाने के लिए काम करना, कि हाँ ठीक है यार, दुनिया देख रही है, घर वाले देख रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, अपलाइन देख रहा है तो नेस्विस कर रहे हैं, कोई नहीं देख रहा, उस टाइम पे क्या करते हो, वो चीज होती है आपका पैशन, कि आप लिटरली किस चीज के लिए पैशनेट हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं, क्रिकेट खेलते हैं, धूप में भी खेलते हैं, अब भी खेलते हैं, कितने लोग अब भी खेलते हैं क्रिकेट धूप में, बतेरे खेलते हो ना, पैशन है आप लोगों के अंदर ना, बाकी नहीं खेलते, बाकी को धूप लगती है, है कि नहीं ऐसा? मान लो मेरे को ले जाओ तो मेरे को धूप लगी, मैं कहूँ धूप और कि मेरे से नहीं खेला जाएगा, लेकिन आप पैशनेट हो। अब जैसे कि मैं सुबह से बोल रहा हूँ, लगातार बोल रहा हूँ, बोलता रहूंगा शाम तक, मैं पैशनेट हूँ इस चीज को लेके, मेरे को मस्त मजा आता है टाइम पे लोगों से बात करने में, मेरे को सुबह से शाम तक आप प्लान करवा लो, मैं पैशनेट हूँ अपने नेशनल बिजनेस के लिए। आप लोग किस चीज के लिए पैशनेट है वो चीज आपका डिसाइड करेगी। पैशन होना बहुत जरूरी है। आप अनिल कुंबले ले लो, आप को
कोई भी इंसान ले लो, थॉमस एल्वा एडिसन ले लो, अभिषेक बच्चन ले लो, अमिताभ बच्चन ले लो, अक्षय कुमार ले लो, अक्षय कुमार 4 बजे उठता है, करीना कपूर ले लो, कोई भी सिंगर ले लो, कोई भी एक्टर ले लो, एआर रहमान पकड़ लो, 24 घंटे एआर रहमान क्या करता है? क्रिकेट खेलता है। क्या करता है वो? म्यूजिक, म्यूजिक करता है ना वो। अच्छा धोनी क्या करता है पूरे दिन? सिंगिंग, क्रिकेट खेलता है वो। मतलब वो ना पैशनेट है, पैशनेट। जब उनको कोई नहीं भी देखता ना तो भी वो अकेले में बैठ के अपना क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो भी सिंगर लोग अपना अकेले बैठ के रियाज कर रहे होते हैं। वैसे ही नेशनल्स में जितने भी सफल लोग हैं, जब उनको कोई नहीं देखता, जब उनके पास टाइम होता है खुद को देने के लिए, जब उनके पास में टीम नहीं होती, उनके पास में लोग नहीं बैठे होते, उस टाइम पे आप नेशनल्स के लिए क्या कर रहे हो या अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हो, दैट विल डिफाइन योर पैशन। आपके पास में मान लो प्लान नहीं है, प्लान कैंसिल हो गया, या उस दिन प्लान है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, तो आप जाके मूवी देखते हो, शॉपिंग करते हो, फैमिली को टाइम देते हो, अपने दोस्तों को टाइम देते हो, सोते हो, मूवी देखते हो, करते क्या हो, वो आपका पैशन डिफाइन करता है। जिस दिन आपके पास में कुछ भी नहीं है, मतलब मान लो आपके पास में 1 घंटा खाली है, उस 1 घंटे के लिए क्या करते हो, वो दिखा देगा आप किस चीज के लिए पैशनेट हो। जरूरी थोड़ी है कि किसी का देखना, कोई खुद बताए सर मैं पैशनेट हूं नेक्स्ट के लिए, बताने की जरूरत ही नहीं है। आप अकेले में क्या करते हो पता लग जाएगा किस चीज के लिए पैशनेट हो। सोचो इस चीज को एक बार, बिना पैशन के कौन सफल हुआ आज तक? देखो हर वर्ड के लिए मैं एक चीज यूज कर रहा हूं कि इसके बिना कौन हुआ, क्योंकि ये 10 इंग्रेडिएंट्स ना होने बहुत जरूरी हैं। एक प्रॉपर चाय बनाने के लिए ना उसमें चाय पत्ती भी डलती है, दूध भी डलता है, मीठा भी डलता है, अदरक भी डलती है, गैस भी होना जरूरी है, पतीले का होना भी जरूरी है, उसके अंदर छलनी होना भी जरूरी है, और जिस कप में डलेगी वो कप होना भी जरूरी है। ये कुछ इनेविटेबल्स होते हैं चाय बनने के। सब्जी बनाने के लिए भी होते हैं, ऑयल होना जरूरी है, प्याज होना जरूरी है, सब्जी होना जरूरी है, मिर्च होना जरूरी है, सारी चीजें होना जरूरी है। तो वैसे ही ना उसके बिना में सब्जी बन नहीं सकती, वैसे ही जो सक्सेस है ना, वैसे इन 10 एलिमेंट्स के बिना सक्सेस मिल ही नहीं सकती। आपको नेशनल्स के लिए पैशनेट होना पड़ेगा सर, बिल्कुल इस तरीके से। और ऐसा ये अनिल कुंबले जी नहीं है, ऐसे लोग बहुत हैं। मतलब कि सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली जी थे जिनके फादर एक्सपायर हुए, वो मैच खेल रहे थे, उसके बाद में उनके उसमें गए, है ना, जो फ्यूनरल था उनमें गए वो, तो दैट इज द पैशन दे हैव फॉर क्रिकेट। और इसी वजह से वी रिस्पेक्ट देम, इसी वजह से पैशनेट होना जरूरी है ना यार। एक्चुअली पैशन पता क्या है? एक काम होता है मजबूरी में डंडा देके, कपले प्लान करवा लेना, ये करवा लेना, वो करवा लेना, कितने प्लान करवाए गए इस हफ्ते, बोनस कर ले यार। एक होता है पैशनेट आदमी, सर इस हफ्ते बोनस देना अपना, सर कल प्लान करना है अपने 4, अच्छा ठीक है कर लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है, सर आपने ये करना है, सर आपने मेरी टीम की काउंसलिंग करनी है, सर आप मेरी काउंसलिंग नहीं कर रहे काफी दिन हो गए, सर मेरे को बताओ ना कौन सी किताब पढ़ो, सर मेरे को कोई वीडियो सजेस्ट करो, सर मेरे को कोई ऑडियो दो ना यार, मेरे को बहुत दिन हो गया, मेरे को पेन ड्राइव भर के दो ना। ये होता है पैशनेट आदमी, पागल। अपने आप ही अपने अपलाइन के सरदर्द कर देना अपनी प्रगति के लिए, वो होता पैशनेट। उसको उसके अलावा कुछ ना दिखे, पैशनेट होना सबसे ज्यादा जरूरी। देख लो ये पैशनेट है, आप कोई भी इंसान देख लो सर धरती पे कोई भी, है ना, पैशनेट होना जरूरी है। राइट ब्रदर्स का नाम सुना आपने? राइट ब्रदर्स, मतलब देखो ना तो वो ट्रेंड थे, ना उन्हें कोई ट्रेनिंग हुई, ना कोई LTPU, ना कोई BTPU, ना कोई ऐसे क्लार्कसन में उनकी ट्रेनिंग हुई। क्या बना दिया उन्होंने? जहाज बना दिया। बताओ टाइटैनिक वॉज बिल्ड बाय प्रोफेशनल्स, टाइटैनिक वॉज बिल्ड बाय प्रोफेशनल्स, पहली सेल मिल गया। लेकिन राइट ब्रदर्स जो नॉन प्रोफेशनल आदमी थे, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर पैशन, जस्ट बिकॉज दे फेल्ड अगेन एंड अगेन एंड जस्ट बिकॉज ऑफ देयर पैशन वो चले गए, वो चलते रहे। और एक टाइम ऐसा आया जहाज बन गया उनका। पैशन होता है बार बार फॉलो, मतलब फेल होने के बावजूद भी आप लगे हुए हो, वो था पैशन। किस पैशन के साथ में? 10 प्लान बना कर देंगे, किस एनर्जी के साथ में लगे रहोगे, वो होता है पैशन। समझ रहे हैं आप? कितने लोगों की शादी होनी बाकी है, कितने लोग करना चाह रहे हैं? एक आप ही है ना, आप ही बच्चे, सबने हाथ खड़े नीचे कर लिए थे, वैसे सारे करना चाह रहे हैं, मन में तो सबके लड्डू फूटा। मान लो एक लड़की वालों ने रिजेक्ट कर दिया, दूसरे ने कर दिया, किए ना, तो तीसरे ने कर दिया, लेकिन अगर पैशनेट हो
तो एक बात आओ, रुको रुको, तो एक बात आओ, मान लो चार महीने चेक कर रहे, थोड़ी देर फिर पांचवी से मिलने जाओगे परिवार से, तो गंदे से होकर जाओगे, बिना ना दो पांचवी के साथ भी ऐसे पैशनेट होके जाओगे ना, तैयार होकर ऐसे जाओगे ना, दिस पैशन, ये होता है गोइंग फ्रॉम फेलियर टू फेलियर विदाउट लूजिंग योर एंथुसियाज्म, अपनी करेज को, अपनी एनर्जी को, अपने माइंडसेट को, अपने एटीट्यूड को बिना चेंज हुए, जब एक फेलियर से दूसरे फेलियर की तरफ आप अग्रसर होते हैं, अगर आप होते हैं तो वो आपको जो आगे लेके जाता है, वो आपको लेके जाता है आपका पैशन। और एक वीडियो भी आप यूट्यूब पे देखें ना, डोंट फॉलो योर पैशन। अगर आप किसी स्पेसिफिक चीज के लिए पैशनेट है ना, और वो आपको पे नहीं कर रही है, अगर आप पैशनेट है किसी चीज को लेकर जबरदस्त तरीके से एंड इट इज नॉट पेइंग यू, देन डू नॉट फॉलो योर पैशन। उसमें लिखा हुआ क्लियर, वो वीडियो देखना, बहुत ट्रेंड हो रखी है वो वीडियो, देखना, डोंट फॉलो योर पैशन, उसमें लिखा हुआ है, उसमें आदमी बोलता है कि अगर आपको पे नहीं कर रही, अब जैसे कि मान लो किसी को, जैसे मान लो मेरे को म्यूजिक का शौक है या मेरे को सिंगिंग का शौक है, और मेरे को कोई ₹2 ना देता कोई, तो क्या मेरे को फॉलो करना चाहिए? वो पैशनेट हूं लेकिन उस चीज को लेकर, टाइम बहुत कम है जिंदगी में भाई, हार्ले सैंडर्स जितना 65 साल का तो आज के टाइम पे सबर है नहीं, तो हमें वही काम करना चाहिए, या तो देखो पैशन को फॉलो कर लो, और अल्टीमेटली किसी ना किसी दिन आपको सक्सेस मिल सकती है, या फिर एक जो ऑलरेडी ट्रेंड चल रहा है ना, ऑलरेडी एक ट्रैक बना हुआ है, उसमें अपने आप को डाल के उसमें पैशनेट हो जाओ, उसमें डेफिनेटली सक्सेस है, वो आपके ऊपर है। एक ऐसे एरिया में जाना जहां पे अभी तक सक्सेस का आपको मायना ही नहीं है, या इस एरिया में जाना जहां पे लोगों ने 3-3 साल 4-4 साल में अपनी जिंदगी बदली है पैशनेट होके उस काम को लेके। इफ यू डोंट हैव एनी पैशन, तो जरूरी नहीं है कि आप सक्सेस पाएं, अगर पैशनेट नहीं है, पैशनेट होना जरूरी है, जुनून होना जरूरी है आदमी को ना यार, तो जुनून लेके आए अपने अंदर, पागल हो जाएं। जैसे कि मान लो जुनून कैसे, अब मान लो कोई फौजी आदमी है, 6 महीने बाद आता है वो फैमिली से मिलने, तो कैसे पागल हो जाता है ना सबसे मिलने, और कैसे हो, कैसे हो, रोता भी होगा, आंखें भर आती होंगी, बच्चों को देखता होगा, तो वो पैशन है उसकी फैमिली को लेके। तो वैसे ही जब आपने अपलाइन से दूर हो ना, तो मिलो तो ऐसा ही होना चाहिए, यार सर कहां थे, ऐसा लगा अभी बाली चले गए हम, तो मतलब इतना हमारे में प्यार था, तो इनके फोन लगे, सर ऐसा लग गया हम तो अनाथ हो गए, प्रसंग जी वगैरह का फोन आ रहे थे, कह रहे सर अनाथ हो गए हम तो, ऐसे लग रहे हम तो, भाई 5 ही दिन तो गए, कह रहा सर रहा नहीं जा रहा, आप जल्दी आ जाओ, रहा नहीं जा रहा हमसे। ये पैशनेट है ये लोग आज के टाइम पे ना अपने काम को लेके, इसीलिए आज वो डायमंड है, इसलिए कोई प्लेटिनम है, इसलिए कोई टोपाज है, दे आर पैशनेट। आज भी अभी फोन आया भाई का, 3-4 मिस कॉल आई हुई, कह रहे आज भी कोई फंक्शन है इधर, कोई रिटायरमेंट आ रहा है, मगर भाई रिटायरमेंट वो है, कह रहे जाना पड़ेगा, मैं नहीं जा रहा, बिकॉज आई एम पैशनेट फॉर दिस थिंग, आई एम नॉट पैशनेट फॉर दैट। पैशन को करो, नो डाउट, नेशनल में अपने ना पैशन को फॉलो करो, सिंपल में लास्ट में यही कहूंगा, विदाउट पैशन कुछ नहीं, ढीले डाले रहोगे, यूं रहोगे, ताली बजाओ। मां कसम ₹2 ना है, आ जाए तो बता दियो, क्योंकि आप ऐसे ही पैशन के साथ गए हो, नेस विज कर ले यार, बढ़िया है कंपनी है, कई लोगों ने ₹1 करोड़ कमाए, देखे ऑडी चला रहा है बंदा। जुनून होना चाहिए एक्चुअली आदमी को, जब प्लान दिखाने जाओ क्लोजिंग करो, इतना खतरनाक जुनून होना चाहिए आदमी के दिमाग में, जैसे कि मान लो एक कुर्सी देना, वो हो, मैं बता दूं आपको कैसा पैशनेट होना चाहिए आदमी को, ये क्लोजिंग कर रहे हो ना, आप क्लोजिंग कर रहे हो, इधर मान लो आपका बंदा बैठा है, भाई साहब सुन, तेरे पास कोई है चारा और इसके अलावा नहीं है ना, एक बात बता, तेरे को मर्सिडीज लेनी है, तेरे को ये लेना, तूने जो प्लान में बोला, अब मान ले अगर तेरे को ये जब नेस्विस दे सकती है जो दुनिया को दिया, तेरे को करने में क्या दिक्कत हो रही है, नेस्विस तेरे को बिना पैसा लगा, एक लाइन में सब कुछ बोल दो, वो डर जाएगा, भाई रुक सांस ले, ये होता ही है, अदरवाइज आप रुक रुक के बोलोगे, देख ले भाई तेरा मन हो तो कर लियो, ये जुनून नहीं है। जुनून क्या है, आदमी को जैसे ही नाम लिया ना, एकदम जुनून आ गया, पागलों की तरह, बस पागल, तेरे नाम भी देखे आपने, तेरे नाम वो पैशनेट था ना उसको लेके, वो वैसे पागल हो गया बंदा, वैसे पागल हो जाना जरूरी है, बहुत जरूरी है पैशनेट होना अपने काम को लेके, जैसे ये भाई पैशनेट है, अब अगर मैं यहां बैठ जाऊंगा ना तो ये लेट जाएंगे, नहीं सच बता रहा हूं, हुआ इन्होंने फोटोशूट कराया हमारा, मतलब राहुल भाई इज पैशनेट फॉर हिज प्रोफेशन, सुबह 6:30 बजे ये वेडिंग शूट करके, सुबह 6:30 बजे ये पीछे बनाना, क्या था वो नाम उसका, बनाना ट्री करके इधर एक वो है पार्टी हॉल जो भी है लॉन वगैरह, सुबह 6:30 बजे ये इन्होंने फोटोशूट खत्म करा है, और 8 बजे 7:30 बजे यहाँ पे थे, घर पे गए, नहा धो के आए, पास में घर है, नहा धो के आ गए और फिर आ गए, पूरी रात जगे हुए शूट करने, ऐसे ही लेट के बैठ के खड़े हो गए,
और पैशन देखो बंदे का, आप भी चेहरे पे दिखी 2% भी इनके सैडनेस। अपन देते ना 3 प्लान, पहले दूर से पता लग जाएगा जी प्लान दे के आया, दूर से पता लग जाएगा, पता नहीं जरूरत ही ना है, गारंटी। पता क्या होगा, अब बताता हूं, गलती से अगर 3 प्लान में एक आईडी आ गई ना, टोकन भी आ गया, छोड़े होगा सर आज तो क्या हुआ, अरे टोकन ले लिया बस बढ़िया, आईडी उठा ले तो उस दिन तो बस कर कंधे बिठाओ मूतना है, बाकी वो करा आईडी उठाई है। अरे आज ये पैशन नहीं होता आदमी का, पैशन दिखाने के लिए नहीं होता, पैशन होता है अपने लिए खुद का करने के लिए, आपकी मर्जी है यार। जुनून से क्लोजिंग करो, जुनून में प्लान दिखाओ, आपका प्लान ऐसा होना चाहिए ना, मतलब धीरे 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 उस आदमी पे हावी हो जाओ। साना जी भी कह रहे थे ना सुबह के, हम मनाई नहीं कर पाए इनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स देख के, और इनकी प्रेजेंटेशन देख, मेरी प्रेजेंटेशन में कुछ नहीं होता, मेरे प्लान जितने लोग देखते हैं मेरे प्लान में सिर्फ पैशन होता है। वही बात होती ना यार, जब कहते नहीं है क्या जुनून से गाता है बंदा ना, क्या दिल से गाता है बंदा, कई सिंगर के बारे में बोलते ना क्या दिल से गाया, भाई सारे सुर वगैरह तो लगा ही लेते हैं ना सारे लोग, कहीं ना कहीं जो इंडियन आइडल में आते हैं जो लोग, जो टॉप के एक दो लोग होते हैं, 2-3 लोग, वो तो सुर सारे लगाते होंगे ना सेम सेम, लेकिन जो जितना दिल से और जुनून से गाता का जुनून है यार इस बंदे में ना, तो उसको हमेशा फर्स्ट देते हैं। अभी देख लेना ये चीज, जुनूनी होना बहुत जरूरी है सर, जुनून पैशन। आगे चलते हैं, एंड लास्ट लास्ट टॉपिक इज मैसिव एक्शन। एक्शन नहीं लिखा मैंने यहां पे, डिसाइड फोकस, डिसाइड फोकस एक्ट। एक्शन क्या है देखो, सारी चीजें होगी मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं इसको, मैं जल्दी 5 मिनट में खत्म करूंगा। विदाउट एक्शन कुछ भी नहीं है, सोचने से ही सब कुछ नहीं होता, सोचने से सब कुछ होता तो आधे लोगों की तो रवीना टंडन से शादी होने लगती थी, हाँ, और आधे ऐश्वर्या। सोचने से सब कुछ नहीं होता, उस फील्ड में उस डायरेक्शन में आपको एक्शन लेना पड़ता है। डिसाइड किया, फोकस किया, एक्ट किया, एक्ट। देखो क्या होता है, हमारी फिलॉसफी क्या है, ह्यूमन टेंडेंसी है, हम वी ह्यूमंस आर मेड फॉर दैट थिंग ओनली। हम क्या करते हैं, हर चीज पर ना प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, मतलब कि टालते हैं, टालना, इसको बोलते हैं हिंदी में प्रोक्रेस्टिनेशन को टालना, हम हर चीज को टालते हैं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, आज प्लान थे सर दो, मैंने काम करा है सर वो मैनेज नहीं हो पा रहा था, मैंने कल प्लान कर दिया, टाल दिया हमने। एक्शन होना सबसे ज्यादा जरूरी, और मैसिव एक्शन क्यों, एक्शन हफ्ते में एक प्लान दो प्लान कुछ भी नहीं, टू है कोई भी कर लेगा, अगर आपको सक्सेस चाहिए ना मैसिव एक्शन होना जरूरी है, बल्क में एकदम से उठा के डाल दो, धीरे धीरे कुछ नहीं होता। सर्दियों में भी ठंडे पानी से कोई नहाता था, कोई नहाते होंगे ना कुछ लोग, तो आप नहाते थे, अच्छा आपको अगर मैं चम्मच दे दूं नहाने के लिए तो, या मैं कप दे दूं तो, कप में ज्यादा सर्दी लगेगी ना, ग्लास दे दूं तो ग्लास में डालोगे ज्यादा सर्दी, और मैं सीधा बोलूं बाल्टी डाल दो, एक बार लगे तो बस हो गया काम, मतलब ग्लास डालो, ग्लास यहां फिर इधर है, ये डर पता इसीलिए लगता है, आप एक प्लान कराते हो, एक प्लान डर लगता है, आप उठाओ अपनी लिस्ट, ये लिस्ट उठाई, लिस्ट है ये लिस्ट, 10 लोग निकाले, अब आ तो दूसरी बाल्टी में, पता है क्यों, क्योंकि जिस चीज से डर लगता है ना उस चीज को आप जितनी ज्यादा मात्रा में करोगे उतना डर खत्म होता है। आपको भूतों से डर लगता है ना, कईयों को लगता है, मेरे को लगता है, आपके सामने 8-10 भूत ले आए ना डर कम लगेगा, एकदम से अगर सारे भूत ले आओ एकदम एक एक करके मत लाओ डर लगता है, एक साथ ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ धीरे धीरे करने में ना आदमी बर्बाद ही होता है, धीरे धीरे करने में, धीरे धीरे सफलता आज तक किसी को भी नहीं मिली, जिसको मिली एकदम से मिली है, मैसिव एक्शन से मिलती है हमेशा, बड़ा एक्शन होना चाहिए आदमी को, तुरंत हफ्ते में 10 प्लान कराओ आप, कोई रोक रहा आपको 10 प्लान कराने से, किसने रोका, चलो किसने मां की कसम दी आज तक के भाई 10 प्लान मत कराइए, बताओ किसने दी, फिर क्यों नहीं कराते। थॉट प्रोसेस ऐसा बन गया ना 2-3 प्लान ही कराने बस, और जैसे 3-4 लोग जुड़ गए फिर तो प्लान के डंडा देना, सर 3 लोग जुड़ गए काम कोई नहीं कर रहा,
एक बंदा ना था ट्रेनिंग में, सेमिनार में तो एक भी नहीं आता। आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया था उससे कि तू जुड़ेगा तो तू सेमिनार में आएगा, आपने सिर्फ बात ही बोली थी ना उसको। अब वो आए ना आए उसकी मर्जी है, कोई नौकरी में थोड़ी रखा हमने लोगों को यार। देखो वॉल्यूम है, मैंने सुबह ही बताया था वॉल्यूम है, सारा वॉल्यूम का गेम है। बल्क में ज्यादा काम करोगे ज्यादा रिजल्ट आएंगे। मेरे को ज्यादा पे आउट क्यों आता है, क्योंकि मेरी ज्यादा टीम है। आपको कम पे आउट क्यों आता है, क्योंकि आपकी कम, आपका टीम साइज छोटा है। जब मैसिव एक्शन करो, अब मान लो आपको ज्यादा रिजल्ट चाहिए तो ज्यादा प्लान करा लो, किसने रोका है आपको। मैं आपको आज स्टैंडर्ड चीज बता रहा हूं, स्टैंडर्ड ये चीज बोलती है कि आपको हफ्ते में मिनिमम 5 प्लान कराने चाहिए। अगर आप हफ्ते में 5 प्लान खुद के नहीं करवा रहे ना, जितने भी अभी गोल्ड नहीं हुए लोग, सिल्वर भी इसमें इंक्लूड है, जितने लोग गोल्ड नहीं हुए हैं अभी तक, उनको हफ्ते में 5 प्लान तो मिनिमम खुद के कराने ही चाहिए। मेरे लोग कितने स्पॉन्सर्ड बैठे हैं यहां पे जिनको मैंने जोड़ा है, बैठे हैं आपके सामने लोग, योगेश जी भी गए हुए हैं, प्रसंग जी भी गए हुए हैं अभी बाहर, बहुत सारे लोग हैं अभी। मैं आज भी जोड़ता हूं, आज भी मैं लोग जोड़ता हूं। क्या मुझे एक बात बताओ, जोड़ने में कोई, जोड़ना बेकार काम है कोई, बताओ। हाजी भाई आपने कोई बंदा जोड़ दिया तो आपने बेकार काम करा है, हैं? अरे यस नो तो बोल लो, तो फिर जोड़ते क्यों नहीं हो यार ना, इसको अगले हफ्ते, उसको अगले हफ्ते, अगले हफ्ते उसको मलेरिया हो गया तो होता भी है, अगले हफ्ते उसको कुछ इमरजेंसी आ गई, अगले हफ्ते क्यों टालते हो, टेक एक्शन ना हो, अभी करो जो करना है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता दोस्त, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, समय रुकेगा नहीं। अच्छा इसको अगले हफ्ते इसको जोड़ना है ना, अच्छा तो इसको ना अगले हफ्ते मैं फ्री रखूंगा और इसका माइंड सेट ऐसा करूंगा कि ये इसकी बात सुन ले, कभी भी नहीं होता। देयर विल नेवर बी परफेक्ट कंडीशंस, कभी भी परफेक्ट कंडीशंस नहीं होंगी। आपको ना आग सी ऐसी पैदा करनी पड़ेगी। मान लो मैं आपको और चीज सिखा रहा हूं, मान लो आपकी हॉट लिस्ट खत्म हो गई है ना, तो वॉर्म में कैसे काम करता था मैं थोड़ा सा बताऊं आप लोगों को। मैं क्या करता था, मैं ऐसे ही दोस्तों से मिलने चला था, जिस दिन कुछ भी नहीं होता था रात के टाइम पे, ऑफिस से जैसे फ्री हुआ तो उस एरिया में मैंने सर्च किया, अच्छा मेरा दोस्त ये, दिमाग लगाया थोड़ा सा, लिस्ट बनाता था मैं, अच्छा ये दोस्त, उसके पास चला गया कोट पैंट पहन के जानबूझ के, वो कह रहा है क्या कोट पैंट भाई सही है, मैं कह रहा है छोड़ रहा है, देखता तेरा भाई क्या क्या करेगा अभी, कह रहा क्या होगा, मगर मीटिंग है भाई साहब मैं करोड़ों का, अभी एक बिजनेस डील होने वाली है, करोड़ों की क्या कैसी बात कर, पागल हो गया तू। अरे मगर तेरे को क्या पता, तू तो वही कर रहा होगा, अभी भी टीवी देख रहा था, कच्चे कच्चे में पड़ा तू इधर कमरे पे, तेरे को काम और दूसरा दुनिया क्या क्या कर रही है, करोड़ों रुपए कमा रही, लाखों कर, फिर कैसे कर रहे हैं। मगर अभी देख बार बार घड़ी जरूर, मैं देख अभी ना मेरी 5 मिनट में मीटिंग है, तेरे को अगर सच में 25-30 हज़ार रुपए का जुगाड़ करना है, 2-3 लाख रुपए का जुगाड़ करना है ना तेरा, तो मेरे को बता दे बेटा, फोन कर दियो, इधर ही मेरी मीटिंग है, इधर अपना सीसीडी में, सीसीडी में गया नहीं कभी, 200 रुपए कौन कॉफी पिए, इधर मीटिंग है सीसीडी में, दिमाग लगाने में क्या जा रहा है भाई। एमएकडी में बैठते थे फ्री में, वो कहता भी था सर उठ जाओ टाइम हो गया हमारा जाना 2 सेकंड, बहुत बेइज्जती ऐसा ही है मैंने। तो आ गया, अब उसके जुलसी पैदा होगी क्या है क्या नहीं है, मेरे बथेरे लोग जोड़े ऐसे ही, दिमाग लगाओ ना खुद ही, खुद पता लग जाएगा आपको कैसे करना है काम को। ऐसे ही लोगों के पास में मतलब कोई काम भी नहीं, कई बार एक बार तो सोनीपत चला गया मोहित नाम के बंदे को जोड़ने, कैसे मतलब आग सी पैदा करने, मगर कुछ नहीं है कुछ नहीं है, काम करा सोनीपत की बस पकड़ी, मैं उसके पास गया और भाई क्या हाल है, कह रहा बढ़िया यार, उसकी दुकान थी कपड़ों की, तो कह रहा आज यहाँ कैसे, अरे मैं कह सोनीपत में भाई साहब बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हैं आज के टाइम पे, जबरदस्त बिजनेस ये लगा ले, महीने के 50-60 लाख रुपए का जुगाड़ कर रहा हूँ अभी मैं आने वाले टाइम में, और अभी सोनीपत में कुछ बिजनेस पार्टनर ढूंढ रहा था तो एक दो से बिजनेस मीटिंग, अभी करोड़पति बनने वाले भाई साहब तो सारे के सारे, कह रहा ऐसा क्या कर रहा तू मेरे बिना, मैं यार बिजनेस मीट थी मैं तो वैसे ही आ गया, तो मैं चल तेरे से एक बार चलता मिलूं और उससे मिलने आया मैं 10 मिनट, और लगा के आग सी चला गया, बस वापिस आ गया दिल्ली, फिर सेमिनार में बुलाया उसको जोड़ दिया। दिमाग लगाओगे ना एक्शन लोगे। अब मैं घर पे बैठ के, मैं आज कुछ भी नहीं है, आज मेरा कोई मीटिंग नहीं है, प्लान नहीं है, कोई टीम वाला फोन नहीं उठा रहा, कुछ भी नहीं है, चलो आज आराम से रिलैक्स करते हैं, कोई भी ना जुड़ता, रिलैक्स करने से कोई जुड़ता है। मोहम्मद अली का एग्जांपल दिया था ना मैंने, आई एम द ग्रेटेस्ट आई एम द चैंपियन, वो घर पे बैठ के नहीं मारता था मुक्के, वो रिंग में होता था और उस
बैक को पंच मार के बोलता था आई एम द ग्रेटेस्ट आई एम द चैंपियन. अगर आप सोच रहे हो मैं क्राउन एम्बेसडर बनूंगा और मूवी देख रहे हो मूवी देखते देखते मैं क्राउन एम्बेसडर बनूंगा, पॉपकॉर्न खा रहे हो क्राउन एम्बेसडर तो बनेंगे बनेंगे, लीडरशिप बोनस तो होगा होगा, घर पर बैठे एक्शन लेने से होगा सर कुछ भी. सोचने से कुछ नहीं होगा, एक्शन लेने से ही कुछ होगा. अगर आप एक्ट नहीं करेंगे सर तो कुछ भी नहीं होगा. मैंने अभी ये अभी क्वेश्चन ही पूछा था अपना इसमें उर्दू घर में कितने लोग आए थे ट्रेनिंग में, आप लोग आए थे. अब आप लोग चुप रहना मैं बाकी लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं. कितने लोग नहीं आए थे उर्दू घर वाली ट्रेनिंग में? अच्छा आप लोग नहीं आए थे. अच्छा मेरे को एक क्वेश्चन का जल्दी जल्दी जवाब दोगे? मनोज गोला जी आप भी नहीं आए, और कौन नहीं आया था, और कौन नहीं आया था, और आप भी नहीं आए थे, परवेश जी आप भी नहीं आए थे, आप भी नहीं आए थे. अच्छा मैडम एक बात बताओ, तीन बंदर एक पेड़ पे बैठे थे, बैठ जाओ टहनी पे बैठे थे, और नीचे नदी बड़ी मतलब बड़ी ब्यूटीफुल सी नदी बह रही थी ना, तीन बंदर उधर टहनी पे बैठे थे, एक बंदर ने सोचा कि यार क्यों ना नदी में कूद जाए, तो कितने बंदर बचे टहनी पे? अच्छा और अच्छा एक ने सोचा कि कूद जाते नदी में, तो कितने बंदर बचे? तीन. दो नहीं बचे, एक भी नहीं बचा? नहीं बचा क्यों? सर सोचा उसमें. पक्का? उसने सोचा कूद जाते नदी में, तो कितने बंदर बचे? अच्छा दो कितने कहते हैं? दो, दो, दो कितने लोग कहते हैं? अच्छा तीन कितने कहते हैं? पक्का तीन ही रहेंगे और बाकी जो हाथ नहीं खड़े करें चार हो गए, बच्चे हो गए उनके. गोला जी उन्होंने सिर्फ सोचा था कि मैं कूदूंगा, वो कूदा नहीं तो तीन ही बचे. हम भी घर बैठे बैठे सोचता तो प्लान दे के आएंगे, तो प्लान दे आए वहीं पे घर पे. एक 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 स्टोरी और सुनाता हूं, बड़ी बड़ी मस्त स्टोरी है. एक आदमी डेली भगवान को प्रे करता, डेली मंदिर जाता, डेली नारियल फोड़ता, हे भगवान मेरी लॉटरी लग जाए. ओहो मतलब ये सिलसिला चालू हुआ 20 साल की उम्र में. उसको किसी अमीर लॉटरी वाला एक दोस्त था जिसकी लॉटरी लगती थी, उसने देखा कि यार इसकी तो जिंदगी बदलेगी लॉटरी से. तो करता क्या, उसने बोला कि भाई ये मंदिर है इसमें तू नारियल फोड़ेगा ना तो भाई साहब भगवान तेरी सुन लेंगे लॉटरी लॉटरी की बात. तो करता क्या 20 साल की उम्र से लग गया, 30 साल हो गए, 40 साल रोज भगवान क्या कहता, हे भगवान लॉटरी लगवा दे, हे भगवान लॉटरी. 20 साल से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 का हो गया मर गया वो बेचारे की लॉटरी नहीं लगी 60 साल. ऊपर गया बड़ा गुस्से में था, भगवान से जाके मिला, भगवान बोले अरे वाह बेटा पुत्र कैसे हो, बढ़िया. कह रहे काहे का बढ़िया, 60 साल मैंने तेरे आगे नारियल फोड़ा तूने मेरी लॉटरी ने लगवाई. भगवान ने जैसा एक दिया घुमा के, लॉटरी तेरा बाप खरीदेगा टिकट को? मतलब लॉटरी की टिकट नहीं खरीदी, वो बस नारियल फोड़ता रह गया. लॉटरी की टिकट नहीं खरीदी, बस नारियल फोड़ता रह गया. वैसे अपन पता क्या, हे अप्लाइंग बस लोग जुड़ जाए काम करने लग जाए, प्लान तेरा बाप देगा है? प्लान देने नहीं, टीम काम ले कौन सी कराची होएगी जो सब इमेजिनेशन चल रही है. और इसीलिए इमेजिनेशन में पैसा आ रहा है, इमेजिनेशन में ही करोड़पति है, रियलिटी में सब 63.05, 70.32. तो इमेजिनेशन में सब कुछ हो रहा है. देखो सोचने से कुछ नहीं होता, अगेन आई एम टेलिंग यू, सब करने से होगा. तो हमेशा एक्शन लो. और जितने भी लोग हैं ना, जितने भी यहां बैठे हैं यार, मैं चाहता हूं कि सारे लोग हफ्ते में मिनिमम 4-5 तो प्लान देना, किस किस को आता है तो प्लान दिया करो मिनिमम हफ्ते में 7 से 10, जो पार्ट टाइमर की बात कर रहा हूं. फुल टाइमर है 14 प्लान दो मिनिमम रोज के दो. ये मैं आपको मेन सक्सेस की बात बता रहा हूं. ये तो थे फंडामेंटल्स, ये तो थे आपके बेसिक्स. अब मैं प्रैक्टिकल बात करने वाला हूं आपसे. हफ्ते में अगर आप 14 प्लान नहीं दे रहे बीइंग अ फुल टाइमर, और हफ्ते में अगर आप डेली बेसिस पे डेली एक प्लान अगर नहीं दे रहे हो ना बीइंग अ पार्ट टाइमर, तो आप फेल हो रहे हो. एक्शन बिना कुछ नहीं है सर, सोचने से कुछ नहीं होगा. बंदर दो ही है, बंदर तीन ही है वहीं पे, वहीं के वहीं रह जाओगे यार. सोचने से अगर करोड़पति बनते तो सब सोचते फिर. तो आगे चलें, ये 10 थे और एक बार रिपीट करेंगे मेरे साथ में सारे. सबसे पहला क्या था? सेकंड, थर्ड, चौथा, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट,
माइंड, टेंथ। अच्छा आप चलो, ये 500 का नोट किसको चाहिए? 500 का नोट किसको चाहिए? किसी को चाहिए? किसी को चाहिए? रखो रखो रखो, अब आप रुको, अब भगवान भी ऐसे लिए बैठा है। ये क्राउन एम्बेसडर किसको बनना है? क्राउन एम्बेसडर किसको बनना? हम, हाँ हम। उसने एक्शन लिया, आप समझ रहे हैं? मतलब उसने वेट नहीं किया मैं उसके पास जाऊंगी, मैं अपॉर्चुनिटी हूं, मैं गेस्ट हूं, मैं घर पे बैठी हूं, मैं घर पे बैठा हूं, मेरे पास आना पड़ेगा तो पेमेंट देगा वो बंदा। अब वो कह रहा मेरे को कौन जोड़ेगा, सारे हाथ खड़ा कर, मैं जोड़ूंगा। प्लान देने कौन जाएगा? आपको अपॉर्चुनिटी जाके ग्रैब करनी पड़ती है, छीननी पड़ती है। शिव प्रसंग जी ने समझाया, अदरवाइज मिलती नहीं अपॉर्चुनिटी, ऐसे दूर से ही हाथ हिलाती है अपॉर्चुनिटी, समझे आप? तो आज के बाद में ना सारे गेस्ट घर पे ऐसे ही बैठे हैं, कौन लेगा मेरे पैसे, कौन लेगा? सारे ट्रैपोर्ड लिए बैठे हैं, कार्ड लेके, कौन लेगा? अपने हाथ खड़े करें, मैं लूंगा। जाके प्लान दे दो उसको, जाके समझा दो। गो गेटर बनना पड़ता आदमी को, जाके बस ले लो। लेकिन सही डायरेक्शन में मेहनत करना जरूरी है, सही डायरेक्शन में। एक्शन आपका सही डायरेक्शन में होना चाहिए। एक्शन इन राइट डायरेक्शन गिव्स यू सक्सेस। एक्शन इन रॉन्ग डायरेक्शन, मेहनत कर रहे हो, जैसे कि वो नहीं बोलते प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कितने लोग मानते इस बात को, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना? बिल्कुल गलत है। राइट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब रॉन्ग प्रैक्टिस कर रहे हो, उसी को रोज कर रहे हो, कैसे परफेक्ट हो जाओगे? परफेक्ट हो जाओगे लेकिन गलत चीज में। एक्चुअली क्या होता है, हम जो आसान चीज होती है ना उसको पहले करने की सोचते हैं। मैं आपको ईट दैट फ्रॉग फिलोसफी सिखाता हूं, ईट दैट फ्रॉग फिलोसफी। मान लो आप सुबह उठो और शिवा मिश्रा जी, आप सुबह उठते ही मतलब ऐसे यहां खोल मुंह में था, मेंढक चला गया मुंह में, कैसे मेंढक खा लिया आपने, कैसा रहेगा? पूरे दिन जी खराब है यार, क्या खा लिया सुबह सुबह, ऐसा रहेगा ना जी खराब? अब देखो ये तो एक एटीट्यूड है, दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरी तरफ क्या है, आपने आज सैटरडे है, संडे सुबह उठ के आपने आपकी टू डू लिस्ट में आपने जो काम करने, सबसे पहले मेंढक खाना है, अभी टू डू लिस्ट में। तो मेंढक को खाने के बाद में जी कम दुखेगा, क्योंकि आपके वो लिस्ट में था, आपने वो करना था, आपका वो काम था, आप समझ रहे हैं? अब अपन क्या करते हैं, अपन करते हैं प्रोक्रेस्टिनेट, हर चीज को टाल देते हैं। जैसे कि मान लो अपना काम था सबसे पहले मेंढक खाना सुबह उठ के, अपन क्या करते हैं, यार अच्छा नहीं लग रहा अभी ना, 8 बजे सुबह वो मेंढक बैठा बेचारा ऐसे कर रहा है, वो अपन देख रहे उसकी तरफ, यार फिर अपन खाना खा लेते हैं, खाने के बाद खाऊंगा इसको। फिर मेंढक देख रहा था अभी और भद्दा दिखता है उसको, जितना देखते हो उतना भद्दा दिखता है वो। 9-10 बज गए उसको देखे जा रहे हैं, यार अच्छा ना लग रहा, ना ना अभी नहीं, अभी थोड़ा सा और टॉफी खा लेते हैं, टॉफी खा ली, फ्रूट्स खा लिए। फिर देखा 11 बजे के आसपास वो मेंढक थोड़ा साइज बड़ा हो गया, वो फिर कर रहा उसको फूल रहा इधर इधर, यार दो और बताओ। 6 बज 12 बज गए, 1 2 3 4 5 6, शाम के 8 बज गए, रात के 8 बज गए, अब मेंढक हो गया बिल्कुल बरसाती मेंढक टाइप और भूल गया। अब मेंढक है तो है नहीं कि वो सुबह नहीं खा, जो सुबह खाना था अब वो शाम तक नहीं खाया, तो ऐसा तो नहीं वो सेब बन जाएगा, रहेगा तो मेंढक ही ना, और भद्दा होता चला जाएगा वो, और बड़ा होता चला जाएगा। सबसे पहले पता क्या करो, ईट दैट फ्रॉग फिलोसफी ये बोलती है कि सबसे पहले जो सबसे बेकार काम लगता है ना आपको पूरे दिन में, सबसे पहले उसे निपटाओ। बचपन की बात याद है, बचपन में हम सबसे अच्छी टॉफी सबसे बाद में खाते थे, सारी चीजें खाने के बाद में ना सबसे अच्छी, ऐसे ही होता था ना, सेब का भी मीठा पार्ट बाद के लिए बचा के रखते थे, तरबूज खाते तो पहले ये खाते थे फिर लास्ट में मीठा मीठा बचा के रखते थे, हम हमेशा अच्छी चीज बाद के लिए रखते हैं। लेकिन हम ना काम में उल्टा करते हैं आजकल, नेशनल में भी हमें सबसे बद्दी चीज पता क्या लगती है, हमें प्रोस्पेक्ट लिस्ट में, अब उसको हम देख ही जा रहे हैं, इसको आज नहीं कल बुलाएंगे, कल नहीं इसको परसों बुलाएंगे, परसों नहीं इसको अगले हफ्ते बुलाएंगे, अब वो प्रोस्पेक्ट भद्दा होता जा रहा है और मेंढक होता जा रहा है, वो हो गया। अब वो थोड़ा टाइम बाद ना आपकी फेसबुक पे पोस्ट देख ली, व्हाट्सएप पे देख ली, उसे पता लग गया अच्छा नेटवर्किंग करता है, तो अब वो फोन ना उठाए, अब वो ऐसा मेंढक हो गया वो खाया नहीं जाएगा आपसे। उसको सबसे पहले प्रोस्पेक्ट को ही पकड़ो आप। आपका दिन का सबसे अर्जेंट काम होना चाहिए, सारे काम छोड़ के सबसे पहले होना चाहिए फॉलोअप,
अगर कोई पास्ट फॉलोअप बचाया तो सबसे पहले आपको करना है फॉलोअप, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी देनी है आपको प्लान में। अगर मान लो किसी की प्रोस्पेक्टिंग करने जाना है, किताब पढ़नी है, ऑडियो, ये बाद की बात है, लेकिन जो शाम का प्रोडक्टिव टाइम है ना नौकरी वाले के, जो नौकरी वाले उनको बता रहा हूं मैं, शाम का जो प्रोडक्टिव टाइम है 6 से 9 बजे तक का, उसमें आपने सबसे पहले काम किसको देना, सबसे पहले प्रायोरिटी सबसे पहले किसको, फॉलोअप को। किसी को प्लान दिया तो उसके फॉलोअप के लिए जाओ, अगर फॉलोअप कोई भी नहीं है तो दूसरी प्रायोरिटी क्या अपनी प्लान देना, उसके बाद में दूसरी प्रायोरिटी प्लान देना। अगर प्लान भी नहीं है उस टाइम पे तो तीसरी प्रायोरिटी हमारी क्या बोलती है कि तीसरी आपको अपने घर से बाहर निकल के, ऑफिस से बाहर निकल के आपको जाना है किसी प्रोस्पेक्ट के घर पे, या किसी प्रोस्पेक्ट को बुला लो, किसी भी दोस्त को बुला लो, उसकी प्रोस्पेक्टिंग करो, उससे मिलो, उसके थोड़ी सी आग पैदा करो कि भैया ऐसा क्या है, तो उसकी थोड़ी सी चुल पैदा करके उसको छोड़ दो। ये भी नहीं है तो आप बाहर बैठो, मैकडी सीसीडी जहां बैठो, किताब पढ़ो, ऑडियो और वीडियो, ये लिस्ट है। लेकिन अपन क्या करते हैं, अपन उल्टा करते हैं कि सर हम ऑडियो वीडियो सुन रहे हैं, कब सर, शाम को 6 से 9 मैंने वीडियो देखी। अरे भाई तेरा सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव टाइम वो था, प्रोडक्टिव सबसे ज्यादा तेरा उस टाइम पे आईडी निकल सकती थी, लेकिन उसी टाइम पे तू अगर वीडियो देखेगा, ऑडियो सुनेगा, तो फिर काम किस टाइम पे करेगा, 9 बजे के बाद में तेरा गेस्ट हो चुका होगा, फिर कॉलिंग किस टाइम पे करेगा तू, प्लान किस टाइम पे देगा। हम कर तो रहे हैं काम, लेकिन उल्टा कर रहे हैं। जैसे कि दो दोस्त होते हैं, शिकार पे चले जाते हैं, हिरण मार लेते हैं, तो हो तो वो क्या रहा होता है, इधर उनकी जीप कट दी और ऐसे वो बड़े दुखी होके ना दोनों हिरण को पकड़ के, और बड़ी मुश्किल से उसकी पूंछ छोटी सी थी उसको खींच के लेके आए थे, खींच के दोनों दोस्त। वो एक किसान बोलता है, भाई इसके जो सींग दे रखे ना भगवान ने, है ना, इससे खींचोगे ना तो आसान लगेगा। तो बोले अच्छा, ओ सही कहा, इधर से पूंछ से खींच रहे थे, इधर आए दोनों सींग से पकड़ के यूं खींच लग गए। एक दोस्त बोलता है, अरे ये सही बताया उसने ना, कितना आसान है खींचना। तो दूसरा बोलता है, भाई साहब हम जीप से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, वैसे जीप उनकी दूसरी तरफ थी, आसान तो है खींचना सींग से, लेकिन हम अपोजिट डायरेक्शन में एक्टिंग करते हैं। कई बार सही जगह पे सही टाइम पे सही चीजें करना बहुत जरूरी है, तब जाके आईडी मिलती है आपको। सही आदमी से सही टाइम पे सही बात बोलना आपको आईडी देता है। सही टाइम पे सही आदमी से सही बात बोलना। मान लो आपने इनका प्लान कराया और इसको 2 दिन तक आप कॉल ना करो तो टाइम निकल गया, है तो सही आदमी, आप सही बात भी बोल रहे हो इसको कि जुड़ जा, ये हो जा, वो हो जा, फलाना ढिमकाना सारी कर दी, लेकिन टाइम निकल गया। मान लो ये है, इनको मैंने अगले दिन कॉल भी कर दिया, लेकिन मैं सही बात नहीं बोल रहा इनको, इसके जो ऑब्जेक्शन है मैंने वॉइस 029 नहीं सुनी, मैंने वॉइस 025 नहीं सुनी, तो मैं इनके ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं इनको सही बात नहीं बता पा रहा हूं, तो भी आईडी नहीं मिलेगी। अच्छा मैडम है, मैडम को, मैडम जो है ना, इनका प्लान ही नहीं हुआ, या इनका प्लान हुआ हफ्ते भर पहले, अब मैंने इनका प्लान कराया था कल, तो मैं बात तो इनको सही बोल रहा हूं, है ना, बात तो इनको सही बोल रहा हूं, सही टाइम पे बोल रहा हूं, सुबह 11 बजे क्लोजिंग के टाइम पे, लेकिन ये आदमी गलत है, बोलना चाहिए था उनको क्योंकि उनका कल प्लान हुआ था, इनका एक हफ्ते पहले हुआ था। तो तीनों चीजें, जब तीनों चीजें एक जगह पे सही होती ना तो जाके आईडी मिलती है। एक्शन इस हिसाब से लेना चाहिए आपको, एंड इन एक्शन यू हैव टू यूज योर कॉमन सेंस। आज के बाद में मैं आपको एक गुरु मंत्र दे रहा हूं, आज के बाद में कोई भी काम करो, कोई भी कार्य करो, तो स्वामी विवेकानंद जी की लाइन पढ़ी थी मैंने, वो अपनी जिंदगी में उतार लो तो आपको भी सफलता मिल जाएगी। जानना चाहते हो? Yes. जानना चाहते हो? Yes. जिंदगी में आज के बाद जब भी कोई काम करो, काम को करने से पहले ये सोच लो, क्या ये मेरे को सफलता दिलाएगा? आंसर आता है हां तो करो, आंसर आता है ना तो सिंपल। आज आपने अपने लिए सफलता लिख ली कि आपके लिए सफलता क्या है, लिख ली ना। अब आज के बाद में जो भी काम करो ना, जो भी काम करो, मतलब कोई भी काम, धरती पे कोई भी काम करो, चाहे फंक्शन में जाओ, चाहे दोस्तों के साथ में बैठ के दारू पियो, कुछ भी करो, चाहे दोस्तों के साथ में जाओ, सीपी जाके बैठो, पार्टी में जाओ, टूर पे चले जाओ, गोवा घूमने चले जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन सिर्फ एक चीज पूछो अपने आप से, क्या ये मेरे को सफलता दिलाएगा? आंसर आता है हां तो करो, आंसर आता है ना तो मत करो। कितना आसान हो गया जिंदगी में। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, जब आदमी फोकस्ड वे में काम करता है ना तो उसकी जिंदगी में टेंशन बहुत कम होती है। फोकस्ड वे में काम करने वाले की जिंदगी में टेंशन बहुत कम होती है, क्योंकि उसे पता है उसे करना क्या है। जिसे पता ही नहीं उसे क्या करना है तो कुछ भी करेगा, है कि नहीं ऐसा, वो कुछ भी करना चालू कर देगा।
बंदर की तरह, बंदर क्या यूं कर दो यूं करेगा, यूं कर दो तो यूं करेगा, तो उसको पता ही नहीं ना एक्चुअली उसे चाहिए क्या। सब्जी मंडी गाय भी ऐसी है, उसको पता ही नहीं है कि वो कहाँ है, क्यों है, किस लिए है, क्या है, तो जिधर भी उसके मुंह मार दो उधर ही मुंह करके चल पड़ती है जुगाली करके, उसको पता ही नहीं कहाँ जाना। मक्खी है, मक्खी भी सेम ऐसी है। मान लो गाड़ी में अभी यहां चढ़ गई तो यहां से सोनीपत चलेगी, सोनीपत से कोई ट्रक वाला उसे जयपुर ले गया, जयपुर से उसको मक्खी पता ही नहीं जाना, धीमी करती चढ़ गई, फोकस ही नहीं ना लाइफ में, डिसाइडेड नहीं है क्या चाहिए, कुछ भी नहीं, तो बस मक्खी है, सारी आधी दुनिया मक्खी है, कोई कहीं भी ले जाता है उसको, नेस्विस आज नेस्विस, नेस्विस के बाद में कोई और कंपनी, हाँ दूसरी कंपनी, कोई तीसरी में ले जाता है तीसरी, कोई बोलता भाई साहब के होटल खोलते हैं, हाँ होटल खोलते हैं, जो मक्खी हो रखा आदमी पता ही नहीं चाहिए क्या, है ना। अपना फोकस तरीके से एक्शन लो, डिसाइड फोकस एक्ट, है ना। तो 10 चीजें हमने डिस्कस कर ली, 10 इनेविटेबल्स ऑफ सक्सेस, 10 अनिवार्य चीजें सक्सेस के लिए, सफलता के लिए हमने डिस्कस कर लिया ना, तो सही रहे 10 के 10 टॉपिक। yes! है जी, सीखने को मिला आपको कुछ? yes! मिला आपको, चलो।